नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नज़र से। आपको नए वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, या फिर बेहतर होगा कि अगर मैं कहूं बेस्ट विशेस फॉर द न्यू ईयर, क्योंकि शायद हैप्पी या खुश होने के लिए हिंदुस्तान में कुछ खास है नहीं, एटलीस्ट फिलहाल। इस कार्यक्रम का नाम इतिहास के पन्ने है। कभी सिर्फ मेरी नजर होती है तो कभी मेरे साथ किसी और इतिहासकार, समाजशास्त्री या फिर पत्रकार के विचार भी आपको सुनने को मिलते हैं। अक्सर कहा जाता है हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास जीतने वाले लिखते हैं। ये कोटेशन विंस्टन चर्चिल को एट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन इसके ओरिजिन्स अज्ञात हैं। इम्प्लाई यह किया गया है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि ये विजेताओं की उनकी इंटरप्रिटेशन है। विजेता अपने वर्जन ऑफ पास्ट को लोगों पर थोपते हैं। लेकिन भले ही हम अभी इतिहास के ऑफिशियल टेक्स्ट बुक्स नहीं लिख सकते हैं, फिर भी हम अतीत के बारे में उस तरह की बात कर सकते हैं जिस तरह से हम उसे देखते हैं। इस साल का पहला एपिसोड एक एप्ट अवसर होगा रिविजिट करने के लिए, ठीक 10 साल पहले हिंदुस्तान किस घड़ी को पार कर रही थी। और अब आगे बढ़ने के पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील। आज के दौर में जहां स्वतंत्र मीडिया पर जो तलवार लटक रही है, ऐसा लगने लगा है कि खबरों पर अब पहरा है, और ऐसे में एक बात बेहद जरूरी हो जाती है कि इन स्वतंत्र पत्रकारिता के माध्यम को बचाना समय की आवश्यकता है सबके लिए। हम लेते हैं खबरें ना सिर्फ सत्ता की गलियारों से, बल्कि उन मजदूरों, आंगनवाड़ी बहनों, किसान एवं उन कर्मियों की जिनकी आवाजें अक्सर दबी रह जाती हैं हर जगह। हम ना केवल राजनीति पर, बल्कि विज्ञान, कृषि एवं तकनीकी खबरों के उन पहलुओं को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं जो पहले कभी कही नहीं गए हों, जिनकी जानकारी समाज के एक तबके तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में हम यानी न्यूज़ क्लिक को आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। हमारी बेबाक एवं स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दें, हमें सब्सक्राइब करें, नीचे दिए हुए लिंक्स पर जाएं और अपना समर्थन दें। ये लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। और अब आगे कार्यक्रम की बात करते हैं। हम उन घटनाओं के बारे में भी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण थी हमारे दृष्टिकोण से पिछले वर्ष में, और अंत में इस वर्ष के लिए कुछ शेड्यूल्ड इवेंट्स जो हमारे भविष्य को निर्धारित करेंगे, इसके बारे में भी बात होगी। ठीक 10 साल पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना अभियान शुरू कर दिया था। दिसंबर 2012 में उन्हें लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्वेश्चन मार्क्स बने हुए थे कि वे कब और कैसे पार्टी के कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेट होंगे। लेकिन ज्यादातर लोग भारतीय राजनीति पर, खासतौर से जिनकी कड़ी नजर रहती है, वे जान चुके थे कि उनका उदय इमिनेंट था। मोदी का राइज का पहला स्पष्ट संकेत तब मिला जब दिल्ली में जो पोस्टेड ईयू, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने उन्हें लंच पे 7 जनवरी 2013 को बुलाया। वेन्यू था जर्मन राजदूत माइकल श्टाइनर का निवास। मोदी की दिल्ली यात्रा प्रवासी भारतीय दिवस के सिलसिले में था और इस बैठक का कोई खास प्रचार नहीं किया गया, गोपनीय नहीं था, लेकिन हाँ, पब्लिसाइज नहीं किया गया था। मोदी का भारतीय जनता पार्टी के पीएम कैंडिडेट के तौर पर नॉमिनेशन के चांसेस ब्राइट थे, परंतु सर्टेनिटी नहीं थी उस वक्त।
लेकिन पश्चिमी डिप्लोमैट्स जानते थे वक्त आ गया था कि मोदी के साथ रिश्ते सुधारने का। कुछ ही हफ्तों में स्थिति बदल गई। मार्च 2013 के पहले सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई दिल्ली में। ऑफिशियली नायक राजनाथ सिंह थे क्योंकि उन्हें पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन मोदी असल हीरो थे। उनका जो अभिनंदन हुआ वो एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड था भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग्स में। बीजेपी के एक नेता ने, जो पीएम उम्मीदवार के खुद दावेदार थे, उन्होंने मुझे बाद में बताया कि उन्हें उस दिन समझ में आया था कि मोदी उनसे कितना आगे निकल गए हैं रेस में। उसके बाद मोदी पीछे मुड़कर नहीं देखे। बाकी तो सब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं। मोदी के बीजेपी के प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनने के बाद और पीएम बनने के बाद जो घटनाएं शुरू हुए वे पूरे समय तक चलती रहीं। अब तक हिंदुस्तान में बहुत बदलाव आया है और हम इसके बारे में चर्चा करते आए हैं इस कार्यक्रम में और आगे भी करते रहेंगे। पिछले साल 1 जनवरी को एक कश्मीरी पत्रकार कुरैतुल्लैन रहबर ने खुद को ऑनलाइन नीलामी के लिए लिस्टेड देखा। उनकी अनुमति के बगैर उनकी तस्वीर को बिक्री के लिए एक ऐप में अपलोड कर दिया गया था। कुरैतुल्लैन रहबर अकेली नहीं थी। दिल्ली के उच्च न्यायालय के एक सिटिंग जज, उनकी पत्नी, प्रमुख अभिनेत्री शबाना आजमी सहित 100 से अधिक मुस्लिम महिलाओं, उनका नाम था उस लिस्ट में। कई पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और राजनेताओं को नीलामी के लिए दिन की बुल्ली बाई के रूप में ऐप में प्रदर्शित किया गया था। इससे पहले जुलाई 2021 में सल्ली डील, जिसमें लगभग 80 मुस्लिम महिलाओं को बिक्री के लिए रखा गया था, इस ट्रेंड की शुरुआत करती है। कार्रवाई करने के वादे करने के बावजूद वास्तव में कुछ ठोस एक्शन नहीं लिया गया पुलिस द्वारा। बुल्ली बाई केस में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई लेकिन फॉलोअप नहीं हुआ। और हम अब फिर से प्रोफेशनली सक्सेसफुल मुस्लिम महिलाओं की इसी तरह से टारगेटिंग की एक और कड़ी का इंतजार कर रहे हैं। कभी भी आ सकता है। वे उनसे इतना डरते क्यों हैं? क्या ये इसलिए है क्योंकि ये महिलाएं एक स्टीरियोटाइप को तोड़ते हैं? सोचिए जरा। सभी जानते हैं कि संघ परिवार ने स्वतंत्र संग्राम में भाग नहीं लिया, लेकिन ये उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसी कारण से वे दूसरों के आइकॉन्स को अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। पिछले साल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। अपने लंबे भाषण में मोदी ने भारत के लिए एक इंक्लूसिव राजनीति पर नेताजी की इंसिस्टेंस का उल्लेख नहीं किया। उनके विरासत को संघ की विचारधारा में ढालना चाहा। बाद में 8 सितंबर को काले ग्रेनाइट पत्थर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का उद्घाटन मोदी द्वारा फिर से किया गया। इस तरह से एक ही प्रोग्राम पर दो इवेंट्स ऑर्गेनाइज होती हैं। इस अवसर पर उन्होंने कर्तव्य पथ का भी उद्घाटन किया। इस समारोह ने मोदी सरकार के दो कॉन्स्टेंट्स को रेखांकित किया। फर्स्ट, एक ही कार्यक्रम के लिए कई सार्वजनिक इवेंट्स, उदाहरण के लिए एक सुरंग या अंडरपास के लिए उसकी आधारशिला रखी जाती है सबसे पहले, फिर एक औपचारिक या फिर फॉर्मल उद्घाटन, और फिर जब परियोजना पूरी हो गई उसका पूरा होने का जश्न मनाया जाता है। और मजेदार बात यह है कि सारे के सारे ये इवेंट जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की स्थापना से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, लगभग 8 वर्षों से मोदी ने 2 M's, मतलब अल्फाबेट M, का उपयोग किया है, उनके मेमोरी के रोमांटिसाइज अंडरस्टैंडिंग का और उनके मृत्यु के मिस्ट्री का।
इस तरह से उन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल का वैल्यू एनहांस किया। लेकिन इस तरह से मोदी ने बोस के राजनीतिक दृष्टिकोण में सेक्युलरिज्म उसके हिस्से को मिटा दिया। इसके साथ ही उन्होंने फासीवादी ताकतों के साथ बोस के क्वेश्चनेबल एसोसिएशन का जिक्र नहीं किया। साल के अंत में हमने मोदी का एक और इतिहास के सिलेक्टिव यूटिलाइजेशन का उदाहरण देखा। दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के ऊपर ये कंट्रोवर्सी हुई, जो जनवरी में मोदी ने अनाउंस किया था। जाहिर सी बात है कि अगर सरकार सिख हिस्ट्री को असर्व करने की पहल करे तो विरोध तो होगा ही। नेताजी के स्टैचू के उद्घाटन के साथ राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के साथ खिलवाड़ है। यह सरकार कई वर्षों से इस बात पर एम्फसाइज कर रही है कि कर्तव्य पहले आते हैं अधिकारों से। कहा जाता है जो ड्यूटीफुल नहीं है उसके पास अधिकार नहीं है अपने फंडामेंटल राइट्स का डिमांड करने का। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। मौलिक अधिकार कंडीशनल नहीं है हमारे संविधान में। मौलिक कर्तव्य संविधान में इमरजेंसी के दौरान इंसर्ट किए गए थे इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। यह उसी तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल सबवर्शन है जो हमने समान नागरिक संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश में देखा है। अगर मैं पिछले एक साल में डिस्पिकेबल और पॉलिटिकली डायबॉलिकल इवेंट्स पर बात करूं तो शायद ऐसा करने में मुझे कई दिन लग जाएंगे। हिजाब विवाद, काशी और मथुरा में घटनाक्रम, सेना में अग्निपथ योजना का लॉन्च, विपक्ष पर रेवड़ी राजनीति का आरोप, बिल्किस बानो रेप केस के कन्विक्ट्स की रिहाई, उमर खालिद जैसे नौजवानों को जमानत ना देना जबकि राम रहीम जैसे पाखंडी भाजपा के लिए पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं, लिस्ट काफी लंबी है, आप मानोगे। लेकिन क्या हम यादों में उलझे रहें या फिर आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार हो जाएं? किसी भी पार्टी को इलेक्टोरल बहमत नहीं बनाना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही सही या फिर कोई और पार्टी। आशा की किरणें फिर भी दिखाई दी बीते हुए वर्ष में। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की हार और एक बहुत महत्वपूर्ण इंटरवेंशन, अमिताभ बच्चन का कलकत्ता में भाषण, इस पर हमने एक कार्यक्रम भी किया। 2023 में 9 राज्यों को मौका है अपने यहां का डेमोक्रेटिक कोशेंट को रेज करने का। वहां विधानसभा चुनाव जो है, राजनीतिक दल चुनावी चक्रम पर ध्यान रखकर अपनी रणनीति बनाते हैं। समाज लॉन्ग टर्म में सोचता है, तात्कालिक जरूरतों को कंटिन्यूइंग नेसेसिटीज के साथ बैलेंस करके समाज को चलना है। क्या अल्टरनेटिव कोई प्लान है आपके दिल में? नहीं है तो बना लीजिए। नमस्कार।